आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट। जी हाँ, हमारी नई कोर्स की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में तो हमने इंट्रोडक्शंस और गूगल सीट और किस तरह से होता है उसके बारे में जाना था। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट, और आज इसकी पहली क्लास है। सबसे पहले हम गूगल सीट खोलेंगे। तो गूगल सीट खोलने के लिए हमें ड्राइव को लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि तो हमारी जितनी फाइल्स या हम फाइल्स को क्रिएट जो है वो ड्राइव के जरिए ही करते हैं। तो ड्राइव में आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम गूगल सीट पे क्लिक करते हैं। हालांकि आप ये क्लिक करेंगे तो ब्लैंक स्पेस शीट एंड फ्रॉम टेम्पलेट दोनों यहाँ पे दिखता है, लेकिन आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देंगे जो गूगल सीट लिखा हुआ है तो ब्लैंक को ही ऑटोमेटिकली करेगा। और ये सेव नहीं है क्योंकि हमने अभी तक नाम नहीं दिया, क्योंकि ये अनटाइटेड स्प्रेडशीट है, तो इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं डेटा सैंपल। ठीक है, अब आपका सेविंग दिखा रहा है यहाँ पे, ये सेव हो गया। मतलब कि आप इसमें देखेंगे, आप गूगल सीट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे कि आपका एक डेटा सैंपल नाम का शीट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आप ओके सर। कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में इसको मूव कर सकते हैं, वो तो बात की बात है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें भी आपके रोज हैं, बाय डिफॉल्ट आपको 1000 रो यहाँ पे देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 50 लाख तक, और कॉलन भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इसमें डेटा एंट्री, कुछ हम डेटा एंट्री और डेटा सिलेक्शन की चीजें हम इसमें बता देते हैं। जैसे छोटा सा हम डेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिख दिया और यहाँ पे मंथ लिख दिया। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ड्रैग जो है नहीं होता है, राइट, राइट सर। तो इस पे कॉर्नर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, नहीं, ऐसे ही कर रहा था, मगर वो टैग हो डेट रहा नहीं है। हो रही थी, डेट नहीं हो रही थी सर। क्या नहीं हो रहा था, डेट डेट कर लेंगे। पर्टिकुलर जो डेट आता है। हाँ, तो नीडेड यहाँ जिस तरह से आप टाइप कर सकते हैं ओके सर। कविता, और अगर आपके पास एक्सेल का कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए मैं एक्सेल से डेटा उठाना चाहता हूँ, खैर तो आप एक तो तरीका है कि आप गूगल सीट में इसको अपलोड कर दें। ठीक है, और वहां से आप कॉपी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सेल सीरीज को कॉपी कर सकते हैं। एक्सेल की डेटा है, हम इसकी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर देते हैं, और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ, तो इसमें मैं प्लस के निशान लगाता तो हूँ, एक नई सीट ऐड करता हूँ और इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन मेरा एक्शन कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है सर, एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, नोट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इस पे हमने कॉपी कर लिया और हम गूगल सीट पे जाते हैं, तो यह इसकी डेटा यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया, आ गया। ओके सर। और जैसे आप बोल रहे थे कि डेट डालने पे नहीं होता, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न रिसीव डेट, और मान लीजिए मैं डेट डाला यहाँ पे 12/1 किया, तो एक मिनट, अब डेट जो डालेंगे डेट फॉर्मेट पे डालिएगा। ठीक है, जैसे मुझे 12 दिसंबर मैंने लिख दिया तो यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। ठीक है ना, डेट आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए डेट सही है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे 12/1 कर दिया था तो 12/1 आया था, फिर भी वो डेट फॉर्मेट में था। ऐसा होने से डेट फॉर्मेट में ऐसा हो ना हो इसकी कोई जरूरी नहीं है, और कंट्रोल शिफ्ट हैश करेंगे तो ये पूरा फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं इस डेट ड्रैग कंट्रोल सी करता हूँ, डेट ड्रैग किया, डेट हमारा ड्रैग हो रहा है, डबल डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूरा कॉलम में हो जाएगा, जैसे एक्सेल पे होता है। इसमें इसमें सर वो डे अलग करना है और ड्रैग करना है तो हो जाएगा। डेट में से डे अलग करना है तो
हाँ, तो डे अलग करना, उसके लिए आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा, उसके लिए डे का फंक्शन में हो जाएगा ना। हाँ डे का फंक्शन लगाइए और आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। हेलो, ओके। ऐसे हो जाएगा, मगर बीच में वो डेट लिख देंगे सिलेक्ट किए बिना, तो नहीं, सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं सर। वो 2020 का जो कैलेंडर था ना, हाँ तो पहले डेट लिखा और काउंट्स के अंदर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1/1/2020 कर दिया है डेट में, और फिर स्क्रॉल किया तो नहीं हुआ। स्क्रॉल किया तो न हुआ नहीं, स्क्रॉल किया तो ड्रैग किया तो नहीं आपने हुआ। आपने गलत किया ना सर। वो हम बताएंगे, जब फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। अब सीक्वेंस लेके चलिए, ठीक है। ओके सर, ओके सर। वो आगे की चीज है, उसकी बहुत सारे नियम, मतलब ये है पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे उसके और भी बहुत सारे इफेक्ट है, वो सबको देखेंगे, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ेंगे ना, ओके सर, ठीक है। ओके सर। एक मिनट दीजिएगा। चलिए वापस आते हैं। तो यहां पे आपके सामने डेटा, अब डेटा को सबसे पहले जो डेटा आपने टाइप किया है, तो आपने देखा कि आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, डेटा को नॉर्मली ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है ना, या ओके एक्सेल के डेटा को कॉपी पेस्ट आप इजीली कर सकते हैं। सर, ओके सर। इसमें बात आती है सिलेक्शन की, कि हम डेटा को सिलेक्शन की, तो कर्सर मूव करने की, तो कर्सर मूव करना है तो आप इसको एरो की से अप डाउन ऊपर कर सकते हैं, एंटर एंटर से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे एक बार एंटर मारेंगे तो एक्टिव होगा। एक्सेल में क्या था कि आप एंटर मार रहे थे तो नीचे नीचे आता था ना, क्या हाँ, इसमें क्या है कि आपने एंटर मारा तो वो सेल को ओके एक्टिव कर देता है, मतलब कि उसमें टाइपिंग के लिए, ठीक लेकिन दो बार आप मारेंगे तो नीचे आ जाता है, तो टैब से आ जाता सर, है, एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट ओके करना सर, तो सिलेक्ट करने के लिए वही आपका शिफ्ट है, ओके सर। ठीक है। शिफ्ट के साथ ही हम एरो की को यूज करते हैं। ठीक है सर। ओके सर, लेकिन डेटा को सिलेक्ट कैसे करें, तो एक तो कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए से आप अपना डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके सर, लेकिन वो सिर्फ डेटा सिलेक्ट होता है, बाकी के डेटा ये नीचे सिलेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा डेटा वही सिलेक्ट होता है कंट्रोल हो, लेकिन जब इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो पूरी सीट को सिलेक्ट कर देता है, कर दिया ना। अगर ओके दो सर, बार कंट्रोल ए कर दे तो भी आप पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार देखिए, एक बार कंट्रोल ए करेंगे तो डेटा सिलेक्ट होगा, दो बार कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी सीट सिलेक्ट होगा, दो बार करेंगे पूरी सीट ना, सिलेक्ट पूरा होगा। स्वीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है यहां पे कंट्रोल के साथ कर्सर को मूव कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में करते हैं, कंट्रोल राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो, इस तरह से मूव कर सकते हैं। और उसी तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट भी लेके जा सकते हैं, कि कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा जैसे क्या एक्स। हो रहा है सर?
क्वेश्चन मूविंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारी डेटा सिलेक्शन समझ में आ गया ना सर आपको, तो यहां से आप सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड सीट। सीट को रिनेम करना है तो करेंगे, तो आप सीट को रिनेम कर सकते हैं। ओके सर, विजय जी सर वो डिस्प्ले वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा। हाँ आ गया सर, आ गया सर, सीट के आ गया ऊपर सर। डबल सीट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप सीट को रिनेम कर सकते हैं, सीट के अंदर कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके लेकिन सर, क्या देखिए, यहाँ बड़ा कर दिया, बट एक्सेल वाले सीट में हम ऐसे नाम नहीं दे सकते थे, मतलब कि डैश वगैरह नहीं दे सकते थे। और इसलिए क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑल सीट। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे शीट कर दिए, एक्सेल में क्या होता है बहुत सारे शीट होता था, हमें स्क्रॉल करना पड़ता था ना नीचे, बट यहाँ पे हाँ सर, यहीं पे आपको एक लिस्ट मिल जाता है कि आप किस सीट पे जाना चाहते हैं, यहीं से जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा सीट है तो यहीं से लिस्ट ले सकते हैं। जैसे मैं 5-7 सीट ऐड कर देता हूँ, तो बहुत सारा सीट अगर आपने ऐड कर लिया तो आप यहीं से लिस्ट लेके उस पर्टिकुलर सीट, जिस सीट पे क्लिक करेंगे उस सीट पे आप चले आएंगे। ओके ओके सर। ठीक है। और आपके पास ऊपर फाइल मेनू बार है, जैसे फाइल का नेम मैंने बना के डबल क्लिक करके नेम कर सकते हो। अभी ये क्या है कि आपका ड्राइव में पड़ा हुआ, आप किसी स्पेसिफिक कोई एस्पिक फोल्डर में डालना चाहते हो, जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया अपने ड्राइव में, न्यू पे जाके मैंने बनाया यहाँ पे फोल्डर, और फोल्डर का नाम डाल दिया मैंने सीट क्लास, ओके हमने इसको क्रिएट कर दिया। आ गया सर, सर, न्यू वीडियो में आ गया, मैं इसको यहां से उठा के मूव कर देता हूं, राइट क्लिक करके मूव टू मैं माई ड्राइव में कर देता हूं, मूव हियर। तो माई ड्राइव में आके देखेंगे तो मेरे पास एक गूगल सीट क्लासेस का आ गया। मैं अपनी इस फाइल को, डेटा सिंपल वाली फाइल को उसी में रखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा मूव, और गूगल सीट क्लासेस में मैंने इसको मूव कर दिया। ठीक है, तो मूव हो गया। अब आपके पास फाइल्स हैं, जैसे कि इसमें आपके पास फाइल मेनू बार है जो फाइल से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड चीज आपको दिखाती है। एडिट में आप एडिट में ओके की डेटा को कॉपी पेस्ट वगैरह और बाकी रिलीज की डेटा के ऊपर जो एडिशन वाला पार्ट है वो इसमें दिखेगा। व्यू, आप डेटा को व्यू करने वाला, फाइल को व्यू करने के लिए हैं जो भी ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन व्यू में मिलेगा। इंसर्ट, कुछ चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो आपका इमेज हो, फंक्शन हो, कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपका इंसर्ट ऑप्शन में मिलता है। और फॉर्मेट, अगर आप डेटा की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग रिलेटेड ओके आपको फॉर्मेट टैब में मिलेगा। डेटा की एनालिसिस, जैसे कि आपको स्लाइसर लगाना है, पिवट लगाना है, वेरिएशन लगाना है, कुछ भी करना है आपको डेटा को, मतलब डेटा से डेटा के अंदर जो भी कुछ करना है वो आपको डेटा मेनू बार में मिलेगा। टूल्स के अंदर में आप फॉर्म वगैरह, आउट ऑफ फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और बाकी चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके क्लियर है, बनाओ इसमें। ओके तो ये आप, क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा, मैं ऑप्शन जो यूज करने वाला हूं वो आखिर होगा क्या। अब यहां पे कुछ क्विक ऑप्शंस हैं, क्योंकि मेनू बार में जाने से अच्छा है कि जैसे मान लो आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए मेनू बार जाने की जरूरत नहीं है आपको, अब यही से डायरेक्ट हो जाएगा। यही पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप बोल्ड कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए मैंने अपनी मेनू बार को छुपा दिया, क्यों, यहां से स्क्रीन बड़ा हो गया, इस पे क्लिक करके यहां इस तरह से व्यू को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके सर। यहां अब इस पे जो है, अगर आपको कोई हिस्ट्री या कमेंट डालना है, जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं ताकि बाद में आपको याद रहे, तो आप यहां डाल सकते। ओके सर।
ठीक है, नोटिफिकेशन या ओके ये अब समझ में आया क्या आपको? समझ में आया सर। तो इसमें आपको डेटा ओके अगर बनाना है पहले आपको, तो पहले आपको एक नई सीट लेना है। अब बाकी मान लीजिए सीट डिलीट करना है, तो ऐड क्लिक करके मैं सीट को डिलीट कर सकता हूँ, सर और कई सारे सीट को डिलीट करना है तो मैं कई सारे सीट सिलेक्ट शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट नहीं, यहाँ पे कंट्रोल होता है थी। नहीं, इसमें आप एक बार में एक ही सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे जो है चीजें हैं, ये चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको क्या है, पहले आपको पहले डेटा बनाना है इसमें, ठीक है ना? ओके पता चल गया सर आपको कि फाइल आपका कहाँ पे सेव होता है, कैसे फाइल को रिनेम करेंगे, डेटा कैसे ओके कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, डेटा को बनाए हुए डेटा को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ओके सर समझ में आ गया आपको? हाँ नहीं सर समझ में आ गया हाँ, आप डेटा के ऊपर कलर करने से, मान लीजिए हेडिंग है मुझे इसको कलर करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करना है, तो फिल कलर यहाँ पे आपके फिल कलर कर सकते हैं। इसको अगर बैकग्राउंड इस पे टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है, तो मैंने व्हाइट कर दिया, टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। इस पूरे में मुझे मान लीजिए ए लगाना है, क्या बोलते हैं, बॉर्डर लगाना है, तो सेलेक्ट किया, ये आपका बॉर्डर है। बॉर्डर कौन सा, ऑल बॉर्डर, मिरर, पूरा दिख रहा है आपको, या डिजाइन कर सकते हैं, तो ये चीजें कर सकते हैं। मैं बेसिक ओवरव्यू कर रहा हूँ, वरना इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको डिस्कस करेंगे। प्रिंट करना ओके चाहते सर हैं, आप यहीं पे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर की सेटिंग यहाँ पे आप चेंज करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ओके तो सर आप इसको एक बार कुछ डेटा इसमें बनाइए, ठीक है, ओके ओके सर इसमें आगे बढ़ेंगे।